हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फेस स्मूथ करेंगे। फ्रेंड्स, बिल्कुल न्यू ट्रिक है फेस स्मूथ करने का, तो फ्रेंड्स आप लोग उस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और उसमें न्यू सेटिंग है फ्रेंड्स, आप लोग उस सेटिंग को देख लीजिएगा, वही सेटिंग आप लोग रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का सिंपल पिक है, तो इस सिंपल पिक को हम लोग यहाँ से शेयर कर लेंगे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। यहाँ से हम लोग शेयर कर लेते हैं सबसे पहले, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ऑटोडेस्क में यहाँ से ओपन कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऑटोडेस्क में ओपन करने के बाद आप लोग को सबसे पहले ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, हम लोग इस वाले ब्रश से फेस को स्मूथ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, नया ब्रश है उस ब्रश का हम लोग यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ऊपर जाइएगा और आप लोग को ट्रेडिशनल में फ्रेंड्स ये वाला ब्रश लेना है। देख लीजिए, इस वाले ब्रश को आप लोग को ले लेना है। और फ्रेंड्स, उसका आप लोग सेटिंग देख लीजिए, सेटिंग क्या रखना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऊपर सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग सेटिंग पे क्लिक कर ले रहे हैं। तो उस पर फ्रेंड्स, आप लोग को देख लीजिए, यहाँ से आप लोग को सेटिंग यही रखना है, फ्लो को 13 पे और स्ट्रेंथ को फ्रेंड्स आप लोग को 31 पे। और आप लोग को उस वाले ऑप्शन पे देख ले स्मज रखना है फ्रेंड्स, आप लोग को स्मज रखिएगा, कोई और मत रखिएगा, बस आप लोग को स्मज रखना है। तो हम लोग स्मज रख लेते हैं। तो उस पर फ्रेंड्स, हम लोग कट कर देंगे इसको। और उस पर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से इसका साइज छोटा कर लेंगे और फेस को फ्रेंड्स हम लोग स्मूथ करेंगे। तो आप लोग इसका देख सकते हैं, स्ट्रेंथ को 31 रखना है और फ्लो को 30 पे रखना है, 13 पे। और फ्रेंड्स, इसका साइज हम लोग अपने हिसाब से घटा बढ़ा लेंगे। तो हम लोग कुछ इस तरीके से पिक को जूम कर लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग को नीचे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसका साइज आप लोग बढ़ा लीजिएगा। और आप लोग को कुछ इस तरीके से फेस को स्मूथ करना है फ्रेंड्स, आप लोग जल्दीबाजी मत करिएगा फेस को स्मूथ करने के लिए, आप लोग बढ़िया तरीके से फेस को स्मूथ करिएगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से फेस को स्मूथ कर ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग को भी फेस को स्मूथ करना है। अगर आप लोग जितना जूम करेंगे तो अपने ब्रश के साइज को छोटा कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से फेस को स्मूथ कर ले रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग को भी फेस को स्मूथ करना है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल न्यू ट्रिक है फेस स्मूथ करने का, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस तरह से फेस को स्मूथ करने के लिए। और फ्रेंड्स, उसका सेटिंग आप लोग उतना ही रखिएगा, उससे कम या ज़्यादा मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से अपने फेस को स्मूथ कर लिए हैं। तो फेस को स्मूथ करने के बाद आप लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आप लोग को प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से ऊपर देख लीजिए, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को एक लेयर बन जाएगा। तो लेयर बनने के बाद आप लोग इस लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे यहाँ से, और उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को देख लीजिए नॉर्मल लिखा है, इस नॉर्मल वाले क्लिक करेंगे आप लोग। और इसके बाद आप लोग को सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, या SOFT सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है और उसका सेटिंग यही रखिएगा। और उस पर फ्रेंड्स, आप लोग को कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसी के बगल में देख लीजिए, उस वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स, ये वाले नीचे देख रहे हैं जो थर्ड पे है, इसको फ्रेंड्स आप लोग को पूरा फुल रखिएगा 100 तक, और इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग इसको फुल रखिएगा 100 तक तो वाइट कलर का हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग को फ्रेंड्स ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोग को नीचे उसी जहाँ से हम लोग स्मूथ किए थे उसी के नीचे देख लीजिए ये वाला ब्रश आप लोग को ले लेना है। और फ्रेंड्स, इसका भी आप लोग सेटिंग देख लीजिए, यहाँ से हम लोग इसका सेटिंग देख लेते हैं। तो सेटिंग आप लोग को फ्रेंड्स इस ऑपेसिटी फुल रखिएगा, अब ब्रश का साइज आप लोग छोटा कर दीजिएगा। और इसमें भी फ्रेंड्स, आप लोग ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको सॉफ्ट लाइट रखिएगा, आप लोग को कोई और नहीं रखना है, बस सॉफ्ट लाइट ही रखना है। तो हम लोग सॉफ्ट लाइट रख लेते हैं। तो आप लोग को देख लीजिए, यहाँ से सॉफ्ट लाइट रख लेना, नीचे देख लीजिए। तो उस पर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से कट कर देंगे, इसका ऑपेसिटी आप लोग फुल ही रखिएगा। तो कट करने बाद हम लोग यहाँ से इसका साइज छोटा कर देते हैं यहाँ से। तो उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग अपने फेस पर, आप लोग को फेस पर ही करना है,
यहाँ से आप लोग हेयर पे अभी मत करिएगा, आप लोग हेयर पे करके देख लीजिएगा, अगर हेयर सही रहेगा तो आप लोग हेयर पे भी इसको अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप लोग के बैकग्राउंड में चमक नहीं है तो यहाँ से चमक भी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर शर्ट पे भी चमक नहीं है तो शर्ट पे भी चमक बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से कुछ इस तरीके से फेस को गोरा कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही न्यू ट्रिक है फ्रेंड्स फेस को स्मूथ करने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग कुछ इस तरीके से कर ले रहे हैं फेस को गोरा। तो हम लोग पूरे बैकग्राउंड को फ्रेंड्स हम लोग इरेज कर देंगे यहाँ से, हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेंगे। तो देखिए हम लोग के बैकग्राउंड में चमक बढ़ गया है और शर्ट पे भी फ्रेंड्स चमक बढ़ गया है। तो हम लोग पूरे बैकग्राउंड पे कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स इतना सब करने के बाद आप लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, ऊपर देख लीजिए उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आप लोग को यहाँ से सॉफ्ट लाइट पे यहाँ से देख लीजिए आफ्टर और बिफोर करके देख लीजिए। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से इधर इधर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और इसको फ्रेंड्स शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सेव कर लेते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग इसको ओपन करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में फ्रेंड्स फेस को गोरा करने के लिए हल्का सा। तो यहाँ से हम लोग स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर ले रहे हैं इसको। तो फ्रेंड्स हम लोग स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लें तो उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को सबसे पहले टूल्स पे जाना है। तो आप लोग को टूल्स पे जाने के बाद आप लोग सिलेक्टिव को ले लीजिएगा और सिलेक्टिव को लेने के बाद फ्रेंड्स आप लोग फेस पे रख लीजिएगा, जहाँ ब्लैक होगा वहीं पर आप लोग को रखना है और हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ाइएगा 50 के करीब और सैचुरेशन को थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। जहाँ ब्लैक हो वहीं पर आप लोग रखिएगा इसको। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से अपने फेस के हिसाब से एडजस्ट करिएगा इसको। तो हम लोग एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद आप लोग को सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को नीचे फिर से टूल्स पे जाना है और टूल्स पे जाने के बाद आप लोग को वाइट बैलेंस पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। तो आप लोग को इसका टेम्परेचर फ्रेंड्स 2 पे या 3 पे कर लीजिएगा और टीन को भी फ्रेंड्स आप लोग 2 पे या 3 पे कर रख लीजिएगा। तो इतना रखने के बाद आप लोग इस पर सेव कर लीजिएगा इसको और इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से इसको सेव कर लेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग स्पीक को लाइटरूम एप्लीकेशन में यहाँ से ओपन कर लेंगे। हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लिए हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन पर जाना है। तो लाइट पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद आप लोग इसका कंट्रास्ट फ्रेंड्स बढ़ा लीजिएगा 18 के करीब और इसका हाईलाइट फ्रेंड्स आप लोग को कम कर देना है 15 और शेडो को भी 15 पे कम करना है और वाइट को भी 15 पे और ब्लैक्स को भी 15 पे कम करना है आप लोग को। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, नीचे देख लीजिए। तो कलर पे क्लिक करने के बाद आप लोग इसका टेम्परेचर फ्रेंड्स कम कर लीजिएगा 4 पे और टिंट आप लोग को 2 पे और वाइब्रेंस फ्रेंड्स आप लोग को 40 के करीब रखना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ से मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मिक्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सबसे पहले ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और इसका ह्यू -100 तक रखिएगा और सैचुरेशन को भी बढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से ऑरेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फेस को गोरा करने हल्का सा सैचुरेशन कम करेंगे और लिमनेस बढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग का देखिए फेस गोरा हो चुका है। तो उस पर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से ह्यू को थोड़ा कम बेसी कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग का कुछ इस तरीके से फेस गोरा हो गया। तो उस पर रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ह्यू को थोड़ा सा हम लोग कम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आफ्टर और बिफोर करके आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग का फेस गोरा हो गया है। तो यहाँ से हम लोग इसको सेव कर लेते हैं।